गंडकी, हाँ गंडकी माँ के तट, गंडकी जानते हैं, गंडकी नदी नेपाल में बह रही है, जहां तुलसी का ऐसे तुलसी आप डालेंगे ना उस नदी में सालिग्राम भगवान चिपक जाएंगे चुंबक की तरह, मैग्नेट। आज भी ये देखने को मिलता है, अब तो वहां पे बंद कर दिया है सरकार ने, वहां की नेपाल सरकार ने, बाकी ये था अभी कुछ वर्षों पहले तक ये था। सालिग्राम पूरी दुनिया में केवल गंडकी से निकलते हैं। सालिग्राम भगवान, शुद्ध सालिग्राम कैसे होते हैं जानते हो? सालिग्राम भगवान ऐसे होते हैं कि ये गोल्ड है, आप सालिग्राम जी के ऊपर घिसिए ऐसे आराम से, तो पूरा सोना सालिग्राम जी के भीतर चला जाएगा। पहले के राजा महाराजा लोग सालिग्राम के बड़े बड़े, जो सालिग्राम की बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी ना, अपना सोना चांदी उसी के अंदर तो छिपाते थे, घिस देते थे, सारा अंदर चला जाता, जरूरत पड़ी तो निकाल लेते थे। वो एक प्रक्रिया होती है निकालने की, सबके पास नहीं होती, जानकार सोनी जी हो तो निकालें, निकल भी जाता है सोना उस पत्थर से, बराबर निकलेगा, बराबर चला जाएगा। हाँ जी, तो जिस सालिग्राम भगवान के अंदर सोना पचाने की शक्ति हो, वो भगवान जो सोना पचा सकता है, वो तुम्हारे दुख दर्द भी पचा सकता है, इसलिए भगवान कहा जाता है। सब पत्थर को नहीं, सालिग्राम अलग ही होते हैं। हाँ, सालिग्राम अलग होते हैं। सोना पचाने की क्षमता जिनके भीतर है, उनके अंदर आपके दुख दर्द को सहन पचाने की भी क्षमता, हाँ वो प्रत्यक्ष है।